कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश बहुत अच्छा से जानते हैं, हमारे पास अच्छी वोकैबुलरी होती है, अच्छी ग्रामर होती है, लेकिन कुछ छोटी सी बात को लेकर हम शर्मिंदा हो जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं so that और in order that, so as to और in order to, इन सभी का मीनिंग होता है ताकि। लेकिन जहां आप so that या in order that का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां आप so as to और in order to का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये आपस में बिल्कुल अलग हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि so that in order that या so as to या in order to में क्या फर्क है और कैसे आप इसको करेक्ट यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, so that और in order that का मीनिंग ताकि होता है। so that in order that followed by a new subject, और वर्ड ताकि के लिए हम इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब इनके बाद हमें एक नया सब्जेक्ट लिखना हो। जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है ताकि मैं आपको ये बात आसानी से समझा सकूं। I have come early, मैं जल्दी आ गया हूँ। so that ताकि You don't feel alone. So that के बाद जो सेंटेंस आया हुआ है उसकी शुरुआत एक नई सब्जेक्ट से हुई है, यानी इस सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट ये है और so that के बाद आपने फिर एक सब्जेक्ट लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पर so that का इस्तेमाल किया, क्योंकि so that या in order that के बाद एक नया सब्जेक्ट लिखा जाता है। जरूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट पहले वाले से डिफरेंट हो, डिफरेंट हो भी सकता है नहीं भी। यानी हमारा पहला सब्जेक्ट है I, तो so that के बाद I भी लिखा जा सकता है। तो चाहे आप वही सब्जेक्ट लिखें या अलग, लेकिन so that या in order that के बाद कोई सब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर हम बात so as to की करें या in order that to की करें, so as to और in order to का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब इनके बाद कोई नया सब्जेक्ट ना लिखना हो। Not followed by a new subject, जैसे she is learning English, वह इंग्लिश सीख रही है। In order to, ताकि qualify the interview, ताकि वह इंटरव्यू को qualify कर सके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि in order to के बाद मैंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा है। आप चाहें तो in order to के जगह पर so as to का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि so that या in order that, so as to या in order that to, इन सभी का मीनिंग होता है ताकि। लेकिन so that और in order that का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब उसके बाद कोई नया सब्जेक्ट लिखना हो, यानी कोई सब्जेक्ट लिखना हो। आप उसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो वर्ड ताकि के लिए so as to या in order to का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चार एग्जांपल्स लिखा हुआ है ताकि आप इस बात को समझ सकें। आई अर्न मनी सो दैट आई बाय अ मोबाइल, मैं पैसे कमाता हूँ ताकि मैं मोबाइल खरीदूँ। तो फ्रेंड्स, आपने यह देखा कि मैंने सो दैट का इस्तेमाल किया क्योंकि सो दैट के बाद एक नया सब्जेक्ट आता है और जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है आई अर्न मनी इन ऑर्डर दैट आई बाय अ न्यू मोबाइल, मैं पैसे कमाता हूँ ताकि मैं एक नया मोबाइल खरीदूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट आया हुआ है। लेकिन अगर हम बात सो एज टू की करें या इन ऑर्डर टू की करें तो हम सो एज टू या इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको इनके बाद कोई नया सब्जेक्ट न लिखना हो। जैसे आई अर्न मनी, मैं पैसा कमाता हूँ, सो एज टू बाय अ न्यू मोबाइल, ताकि एक नया मोबाइल खरीदूं। I earn money in order to buy a new mobile, मैं पैसे कमाता हूं ताकि मैं एक नया मोबाइल खरीदूं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह डिफरेंसेस आपको समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।